ममता की हत्या। प्रत्येक नारी को ममता की साक्षात देवी माना जाता है तथा उसके भीतर ममता का भंडार समाया रहता है। इस आधार पर प्रत्येक नारी विवाह होते ही माँ बनने के लिए सपने सजोए रहती है। के भीतर छिपा हुआ ममता का भंडार उसे माँ बनाने की प्रेरणा देता है ताकि वह बालक पर अपनी बौछारें फेंक सके। अगर किसी नारी को माँ बनने से वंचित रहना पड़ जाए तो वह अपने को सदैव कोसती रहती है तथा समाज एवं परिजन सभी उसे गिरी दृष्टि से देखते हैं। कई लोग तो ऐसी बांझ स्त्री का प्रातःकाल मुंह देखने को अशुभ मानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी माँ का बालक बीमार हो जाए तो माँ दिन रात जागकर खाना पीना भूलकर बालक की सेवा में जुटी रहती है। किसी कारणवश बालक की मृत्यु होने पर सर्वाधिक वेदना माँ को ही होती है, जिसके फलस्वरूप वह छाती पीट पीट कर रोती है, पछाड़े खाती हुई अपने भाग्य को और परमात्मा को कोसती है। इस सब के पीछे उसके भीतर छिपी हुई ममता होती है। आश्चर्य उस समय होता है कि ऐसी ममतामयी माँ अपने भीतर पल रहे बालक की हत्या कराने को खुशी खुशी तैयार होकर चिकित्सक के पास पहुंच जाती है और गर्भपात करवा कर चैन की सांस लेती हुई खुशी की नींद सोती है। यदि यह बालिका पृथ्वी पर जन्म लेती हो, स्वयं एक ममतामयी नारी बनती है और समाज को ममता का भंडार उपलब्ध कराती है। हमने इसकी हत्या कराकर समाज को ममता के भंडार से वंचित करने का अक्षम्य पाप किया है। चैनल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।